Hello everyone, this is Manzi from evidyati.in. Let's start exercise 4.4. So, exercise 4.4 ka first question hamare paas hai. Set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. So, aapko pehle to yahan pe jo aapko situations de rakhi hai, uski help se aapko equations banani hai aur fir usko solve karna hai. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास सिचुएशंस थी, हमने उसकी इक्वेशन बनाई थी, इवन इक्वेशंस की भी सिचुएशंस बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर. अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम कर रहे हैं फिर से. सो अब क्या करना है, आपको इक्वेशन भी बनानी है और फिर उसको सॉल्व भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट पार्ट. नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सिचुएशन आपको समझ आए कि उसमें करना क्या है. बिकॉज अगर आपने इक्वेशन गलत बना ली तो आपका आंसर चाहे आप उसको सही भी सॉल्व करोगे तब भी गलत होगा, ठीक है. सो इक्वेशन ठीक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ए पार्ट में हमारे पास है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60. सिचुएशन को बार बार रीड करना है, ब्रेक कर करके रीड करना है, और जब आप इक्वेशन बना लोगे फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है कि सही बनाया है या गलत. ओके, इससे आपकी मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. फाइन, सो एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. अब आपको क्या करना है, एक नंबर है, अ नंबर मीन्स गिवन नहीं है. सो एक नंबर जिसका 8 टाइम्स, एक नंबर का 8 टाइम्स किया एड 4 और उसमें 4 ऐड कर दिया, यू गेट 60. तो आपको 60 मिलेगा. सो लेट, अब यहाँ पे ये तो गिवन है ना, अ नंबर क्या नंबर है पता नहीं. सो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है. सो लेट द नंबर बी एक्स हो गया, मीन्स ये वाला जो नंबर बोल रहे थे इसकी जगह हम एक्स लेंगे. सो 8 टाइम्स अ नंबर मतलब इसका 8 टाइम्स का मतलब क्या है, 8x कैसे, अगर मैं बोलू 2 टाइम्स तो मतलब मैं किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन. सो अगर 8 टाइम्स ऑफ x है तो मतलब 8 इंटू एक्स, और 8 इंटू एक्स होता है 8x, ठीक है. सो ये आ गया 8x. अब यहाँ पे है एड 4, आपको 4 ऐड करना है किसमें, 2 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर लिख लिया, इसके अंदर मुझे 4 ऐड करना है. सो यू गेट, यू गेट मतलब कि आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 60. सो यू गेट इक्वल्स टू 60, समझ में आया. अब फिर से देख लेते हैं, ऐड 4 ऐड किया हमने किसमें, 2 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, आपको 60 आएगा आंसर, ठीक है. सो अब ये आ गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है. सो 8x है, पहले प्लस 4 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस 4 है इधर जाके माइनस 4, ठीक है. ये है हमारे पास 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4 इज 56. सो नाउ x इक्वल्स टू हो जाएगा, अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड. सो अगर ये 56 है सो ये हो जाएगा 56 अपॉन 8. अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट 8 से कट कर सकते हो या 2 से कट करते हो, चलते हो टू टेबल में, 8 कब आता है, 4 जा यहाँ पे होगा, 2 जा 4, 16 कब आता है, 8 जा, तो ये आ गया 28 और 4. अभी इसे हम फर्दर कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया 1 और 4, बिकॉज 2 1 2 एंड 2 4 8. अगेन हम इसे कट कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 14 कब आता है, 7. सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7. अब हमने इक्वेशन भी सेट कर ली और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है. सो यही हमारा क्वेश्चन था. अब इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं. नाउ इन द बी पार्ट, 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3. सबसे पहले क्या है, 1/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/5, 1/5 मतलब 1/5, इसी को तो बोलते हैं 1/5, ठीक है. सो 1/5 ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं गिवन, सो
let कर लेंगे, let the number be x, ठीक है? So हमने number को x let कर लिया, 1/5 of a number, अब इस x का 1/5, now 1/5 of x का मतलब क्या है? 1/5 multiply x, which means x upon 5. So 1/5 of x का मतलब क्या हो गया? X upon 5. So ये हो गया x upon 5. Now 1/5 of a number लिख लिया हमने minus 4. इसमें से minus करना है 4 gives 3. मतलब इसका आंसर आएगा 3. So 1/5 of a number minus 4 equals to 3. ये हमारी equation हो गई. अब इसको solve करने के लिए x by 5 as it is रहने देंगे, minus 4 को उधर भेज देंगे, वो हो जाएगा plus 4. So ये हो गया x upon 5. Now 4 plus 3 is 7. 5 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे divide हो रहा है, इधर जाके multiply हो जाएगा. So ये हो जाएगा x equals to 7 into 5. ठीक है, 7 को 5 से multiply करेंगे, 7 5 जा 35. So, x की वैल्यू आ जाएगी 35. X equals to 35. ठीक है, so this was B part. Let's come to the C part. So, now coming to the C part. If I take 3/4 of a number and count up 3 more, I get 21. So, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. If I take, अब मैं ले न्यू एक नंबर 3/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 3/4. सबसे पहले तो नंबर को लेट कर लेते हैं हम इसमें. सो लेट दी नंबर बी एक्स. मैं यहाँ पे एक्स लेट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस में एक्स लेट करना है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि नंबर एक्स है. इफ आई टेक 3/4 of a number, 3/4 मतलब इस नंबर का 3/4, 3/4 का मतलब 3 upon 4 of किसका? इस नंबर का, ठीक है? So ये आ जाएगा 3 upon 4x, which means 3/4 of a number, number is x. And count up 3. Now count up का मतलब क्या है? Count up मतलब इसके आगे 3 और add कर रहे हैं, ठीक है? Count up 3 मतलब कि 3 और add कर दो. So 3/4 of a number लिया, इसमें add कर दो 3, और 3 add कर दो, I get 21. तो मुझे क्या मिलेगा? 21 means equals to कि उस side हो जाएगा 21. Now अब आपके पास ये equation आ गया, आपको equation को solve करना है. Solve करना तो हमें आता ही है. So 3 upon 4 x equals to 21 minus 3. So 3 upon 4x, again अभी मैंने इसको यहाँ भेजा है, plus 3 को minus 3 कर दिया, 21 में से 3 minus करेंगे, so we'll get 18. ठीक है? Now x के साथ 3 upon 4 multiply हो रहा है, इधर जाके divide होगा, so ये हो जाएगा x equals to 18 upon 3 upon 4. Again, you know कि यहाँ पे fraction है, याद है? जब fraction में होता है तो हम क्या करते हैं? इसका reciprocal. So ये हो जाएगा x equals to 18 multiply by 4 by 3. ये जो 3 by 4 था, इसका reciprocal हो गया, ठीक है? So now x निकालेंगे यहाँ पे, 3 और 18 को हम cut कर सकते हैं, because 3 के table में 18 आता है. So 3 ones up. 3, 3, 6 are 18. अब हमारे पास बचा 6 into 4. तो 6, 4 are 24. So, x की value आ गई 24. ये हमारी equation थी जो हमें set करनी थी, और ये x की value है. Now, B part. B part में हमारे पास है, when I subtract 11, मैं subtract कर रही हूँ 11, from, किसमें से? Toy is a number. एक नंबर के toy से. Again, नंबर नहीं गिवन. सबसे पहला इन क्वेश्चंस में हमारा काम है लेट नंबर बी, कुछ भी वेरिएबल हमने उसको लेट कर दिया, ठीक है?
सो नाउ 11 सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस अ नंबर, इस नंबर के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर x है तो टू टाइम्स ऑफ x इज 2x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 11 और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 11, सो अगेन इक्वेशन आ गई, सब्ट्रैक्ट, आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, द रिजल्ट वॉज 15, सो द रिजल्ट वॉज 15 मतलब कि इसका आंसर आया 15 मीन्स इक्वल्स टू 15, सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेट्स सॉल्व दिस, 2x माइनस 11 है उधर जाके प्लस 11 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 15 प्लस 11, 2x इक्वल्स टू 15 में 11 ऐड करेंगे सो वी विल गेट 26। यहाँ पे 2x है मीन्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 बन जा 2 और इसको कट करेंगे सो वी गेट 1 एंड 3 मीन्स x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, फाइन। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट।